होने का मौका मिल रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इस संगीत महाविद्यालय, जिसे हम अपने मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा की तरह मानते हैं, क्योंकि यहाँ से हम सिर्फ जो संगीत की क्लासें नहीं बल्कि संस्कार भी सीख के अपने घर जाते हैं कि हमारे परिवार में हमें बड़ों के साथ कैसे रहना है, बच्चों के साथ कैसे रहना है, हमारी माताओं बहनों के साथ कैसे व्यवहार करना है। आज हमें खुशी हो रही है कि हम आप सबके बीच में थोड़ी देर के लिए आए हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में सासाराम में नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है और उस चुनाव में हमारी एक कोशिश है कि जो हमारा शहर है, हमारा जो अगल बगल का गांव है जो हमारे नगर निगम से जुड़ चुका है, उसका एक जिनमिन विकास हो। जैसे हम लोग बड़े शहरों से होके आते हैं अपने शहर में तो लगता है कि यार हम लोग कहाँ पे आ गए, किस शहर में लगता है ना सर, हमारे शहर में ये सुविधा क्यों नहीं है। आज हमारी माताएं बहने, जितनी छोटी छोटी बहने बैठी हुई है, कुछ मुद्दे ऐसे होने चाहिए जिसको खुल के बात हम लोग करना चाहिए, मतलब उसे आप छिपा के नहीं चल सकते। मुद्दा, पहला मुद्दा ये है कि आज अगर आप सड़क पे जाते हो तो आप जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो एक आम आदमी का, नागरिक का मूलभूत सुविधा है, उसको बोलते हैं कि पीने का पानी या बाथरूम करने का अच्छा यूरिनल, लैट्रिन बाथरूम रोड पे उपलब्ध होना चाहिए सरकार। आप ये नजर उठा के देख लीजिए, जेंट्स तो कहीं भी चले यूज कर लेते हैं, कहीं मिल जाता है। जो हमारी बहने हैं जो घर से निकलती हैं, उनका क्या? कभी सोचा है सरकार ने, किसी जनप्रतिनिधि ने सोचा है कि ये महिलाएं अपने घर से निकलती हैं तो कहाँ जाएंगी? रोड पे कहीं भी एक भी लेडीज टॉयलेट दिखता है आप लोगों को कहीं भी? अभी एक वाक्य शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोगों से। अभी दो दिन पहले सर हमने एक वीडियो देखा था, सुनिए। उस वीडियो में दिखाया गया ये मुद्दा जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो खुल के बात करना है आप सभी को फ्यूचर में। मुद्दा ये था कि एक बाप अपनी छोटी सी बेटी, लगभग 12 या 13 साल की बेटी होगी, उसको स्कूटी पे ले जाके स्कूल छोड़ने जा रहा था, ठीक है? तो रास्ते में क्या हुआ कि उनकी बेटी का स्कर्ट पूरा ब्लड से भर गया, खून खून हो गया। एक्चुअली हुआ था कि उस बेटी को पहली बार जीवन में पीरियड आया, ठीक है, जो आम सभी महिलाओं को आता है। यहाँ तक कि आज अगर हम लोग भी इस संसार में आए हुए हैं तो एक जगत जननी माता के रूप के व्यवहार से आए हुए हैं, उन्हीं की देने क्या होंगी, तो भी कहीं ना कहीं पीरियड के दौर से गुजरी हूँ। तो कहना यहाँ पे ये था कि जब उनकी बेटी को ब्लड आने लगा वहाँ पे, तो उनके पिताजी पूरा घबरा गए कि अरे यार ये क्या हो गया, मतलब पूरा बेटी का स्कर्ट ब्लड खुने खून हो गया, अब हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। उनकी बेटी को चक्कर आने लगा, वो भागे भागे गए पानी का बोतल ला, बेटी स्कूटी पे बैठे बैठे छटपटा रही थी, पूरा उसका स्कर्ट ब्लड से कलर होता जा रहा था। इतने ही में एक लेडीज पुलिस वहां से क्रॉस कर रही थी अपने गाड़ी में, तो उसने उस स्थिति को देखा और अपने जितने भी सहयोगी पुलिस कर्मी थे जो जेंट्स थे, उन्होंने अपनी गाड़ी से निकाला और उस बच्ची को अपने गाड़ी के अंदर ले गया। लेडीज पुलिस ने ये किया कि उनको लड़की को पानी वानी पिलाई और साथ में, क्योंकि वो भी एक लेडीज थी, उनके पास भी गाड़ी में पैड्स वगैरह होते थे, उन्होंने उसको पैड पहनाया, उसको पानी वानी छिड़क के उसको नॉर्मल अवस्था में लाया। थोड़ी देर बाद उनके पिताजी आए दौड़ाने लगे, मेरी बेटी कहाँ गई, बेटी कहाँ गई। तो पुलिसकर्मी ने बताया कि नहीं, आपकी बेटी सुरक्षित है और ये आप घबराइए, आम समस्या है, फिजिकल समस्या है जो किसी भी जात की लड़कियों के साथ हो सकती है, किसी भी धर्म की, ये कोई जाति धर्म नहीं देखा, नहीं देखा। तो हमें ये लगता है कि हमारी जो सरकार है, हमारी जो जनप्रतिनिधि, इनके बारे में क्यों नहीं सोचती है? पीरियड वर्ड है, हर सबके साथ आता है, हर घर में आता है, सारी माता बहनों का, हमें अब इस पर खुल के बात करना है। जब हमारी माता बहने रोड पे निकले हैं तो वो वहां पे उनको जन सुविधा, जिसको बाहर में आप देखोगे पिंक टॉयलेट बोलते हैं, लड़कियों के लिए बिल्कुल अलग होता है, वहां पे जेंट्स नहीं जाते, ओनली लेडीज, क्योंकि उन्हें वहां पे जाने के बाद इतने सुरक्षा का एहसास महसूस हो कि जिस टॉयलेट में हम अभी आए हैं, या तो चेंजिंग करने या बाथरूम करने, यहाँ पे जेंट्स का अलाउड नहीं है, तो बिल्कुल पूरी तरह सेफ है। तो हमारा एक टारगेट है, उस वीडियो से हम जो सीखे हैं कि हमारा जो शहर है, हमारे शहर में माताएं बहने हैं, हम उनके लिए ये जरूर करें, खासकर जो भी पॉश इलाका हो, चाहे जो स्कूल से निकलने वाला गली हो, चाहे मुख्य चौराहा हो,
वहाँ पे तो ये हम लोग जरूर करेंगे कि हमारी माताओं बहनों को इसका मदद मिले। अभी आपको बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में हमने शहरी विकास मंत्रालय सह बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी को पत्र लिख के और यहाँ के डीएम साहब को पत्र लिख के, आप सभी की सुरक्षा के लिए शहर के हर मुख्य चौराहों पे हमने सीसीटीवी कैमरा लगाया। आप सीसीटीवी कैमरा दिख रहा है आप लोगों को देखें आपको तो वो आपकी सुरक्षा के लिए। इससे फायदा क्या क्या हुआ? पहला फायदा तो ये हुआ कि हमारी जो लड़कियां हैं जिसके साथ बहुत गलत गलत काम हो जाते थे तो वो थोड़ा सेफ हो गए। हमारा जो व्यापारी वर्ग है दिन भर मेहनत कर खून पसीना करके व्यापार करे, उसको जब बैंक में पैसा जाना जमा करने जाए तो रास्ते में कोई ना कोई कट्टा बंदूक भिड़ा के पैसा लेके चलते, मामला थाने में जाए, मामला कोर्ट में जाए, थाने में जाइए तो इतना फाइल ऑलरेडी पड़ा हुआ है, कोर्ट में इतना फाइल ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बिना गवाह बिना सबूत के सारा फाइल पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब आप ये जानिए कि सीसीटीवी कैमरा एक ऐसा माध्यम है जो डायरेक्ट प्रूफ देता है, उसे किसी की गवाही झूठी गवाही की कोई इंतजार नहीं करता। जज का भी काम हल्का है, वकील का भी काम हल्का है, पुलिस जितने भी हमारे रोड पे आपकी सेवा में लगे हुए हैं उनका भी काम हल्का है कि हमें तत्काल ये दिख गया कि ये काम इसने किया है तो अब हम बिना गवाह के इतना फाइल इकट्ठा नहीं करें, तो फाइल मेरा इतना था कितना हो गया इतना। तो ये फायदा हुआ हमारे व्यापारियों को भी और महिलाओं को। अभी आप देखे होंगे जो अड्डा रोड जो पोस्ट ऑफिस चौक चलता है वहां पे हमने पुलिस चौकी के लिए दिया हुआ है, जैसे कि हमारा जो थाना है आप फजल में थाना देखते हैं, एक देखेंगे जो पुराना गोला में देखते हैं, तो हमारे कहना ये था कि जो भी मुख्य चौराहे हैं चाहे बोलिया हो धर्मशाला हो पोस्ट ऑफिस मोड हो एस पी जैन कॉलेज हो कादिरगंज हो चाहे न्याय निकला तो जो भी रास्ता जहाँ जहाँ में मुख्य रास्ता जाता है वहाँ पे पुलिस चौकी का निर्माण हो ताकि जो राहगीर है आम राहगीर जहाँ भी जाए वहाँ पे तो उन्हें ये महसूस हो कि अगर मेरे साथ कोई घटना होता है तो इस जगह पे हमारे पुलिसकर्मी 24 घंटे अवेलेबल है। उसकी भी शुरुआत अभी यहाँ पे हम लोग दो तीन दिन पहले एक शुरुआत हो चुकी है। आगे बहुत कुछ करना है, आगे बहुत कुछ करना है, मतलब कि आप लोगों के लिए शुद्ध पीने का पानी, डोर टू डोर कूड़े का उठाव, उसके अलावा जो आप बच्चे जो आप लोग एजुकेशन लेस जुड़े हो उसके लिए मैं कुछ खास कर अनाउंस करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं भी शिक्षा से ही बढ़ के यहाँ तक आया हूँ। आज हमारा जो सासाराम है कहीं ना कहीं गूगल पे देखिएगा तो सासाराम का नाम इसलिए फेमस है कि यहाँ के बच्चे स्टेशन की लाइट की रोशनी पढ़ के आईएएस आईपीएस और बैंक की नौकरी कर, पता चला ना आपको? तो अब हमारे जो बच्चे हैं ना स्टेशन की लाइट पे नहीं पढ़ेंगे, हाईटेक पुस्तकालय हाईटेक लाइब्रेरी में उन्हें वो हर सुविधा मिलेगी और बेहतरीन बैठने का जगह होगा, बेहतरीन वहाँ पे पानी पीने का जगह होगा, सिक्योरिटी होगा, अच्छे अच्छे पुस्तकें होंगी वहां पे, आप बैठ के पढ़ाई कीजिए और अपने शहर का अपने जिले का अपने देश का नाम रोशन। ये हमारा प्लानिंग है, इसके अलावा मेरा बहुत सारा प्लानिंग है, लेकिन क्या है कि जब आप किसी बड़े बदलाव के लिए आप आते हो पहला चीज तो देखिए ना कोई हम राजनीतिक परिवार से है ना कोई पैसे वाले बाहुबली है कि हम ऐसे आएंगे सर कितना वोट है 10 वोट है चलिए पकड़े 10,000 रुपए ले लिए हमको वोट दे दीजिए। हम चुनाव हार जाएंगे वो कबूल है लेकिन पैसा बांट के कभी करेंगे नहीं, पैसा तो है ही नहीं और होता भी तो नहीं करता। लेकिन ये कहना है कि जितना शहर हमारा है जितना नगर निगम जितना गाँव हमारा है उतना आपका भी है, हम लोग मिल के शहर को और देश को बदलना। तो जब कुछ अच्छा हम लोग करने जाते हैं तो आप लोगों को पता होता है बैकेंड में अपना परिवार अपना व्यापार सब कुछ लॉस जाता है ना, आप लोगों को ये लग रहा है कि हम कुछ अच्छा करने जाते हैं तो मेरा पीछे परिवार है मेरा भी व्यापार नुकसान हो रहा है, लेकिन जीत क्या है? जीत तो ये है कि हमने इतना बड़ा परिवार बना लिया, हमें पूरे परिवार चिंता है, हमें सिर्फ 2 या 3 मेंबर्स की चिंता नहीं, हमें अपने पूरे नगर निगम की चिंता है। तो हम ये आप लोगों से विनम्र आग्रह करना चाहेंगे अपने भाइयों अपनी बहनों से कि अगर आपको लगता है कि आपके भाई में वो एबिलिटी है कि आपके शहर आपके गांव को बड़े शहरों की तरफ बदल सकता है तो कृपया हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए आप 2-3 माध्यम है, पहला माध्यम है कि आप सबके पास आजकल एंड्रॉइड फोन है, फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप सभी से आप जुड़े हो, कई ग्रुप से जुड़े हुए होगा, आप हमारे कामों को लोगों के बीच बताएं। आज के डेट में सोशल मीडिया की जो ताकत है हम लोग का सबसे बड़ा ताकत, लोग अगर जानना शुरू करते हैं कि नहीं चलो क्योंकि सबको एक इंतजार होता है ना कि यार सब तो नेता वैसी आते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, वही जल के हम आए
हमारा कोई उद्देश्य नहीं था कि हम राजनीति में, जैसे आप झल रहे हो, जैसे आप झल रहे हैं तो हम भी झेले हुए। तो अब लगता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या बोला कि पढ़े लिखे लोगों पे अनपढ़ लोग शासन न करें, इसलिए पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। सुना है ना आप लोगों ने? राजनीति कोई खराब चीज नहीं है, राजनीति हमने और आपने खराब कर दी। हम लोग जब वोट देने जाते तो सीधे क्या लगता है कि अरे यार ये जो कैंडिडेट है ना यादव है, हमने पूरा यादव इनके वोट मारा, ये कुर्मी है, कुर्मी के पूरा पांडव, ये मियां और मुसलमान और इंदिरा के मारे, होता है ना, ये होता है ना। अरे उससे पहले हम एक इंसान है ना कि नहीं है, पहले हम एक इंसान है और हमको सबके लिए करना है। और हमारी जो पहचान है, अगर आप पहले से अगर हमें जानते हो तो हमें लोग अब जिला में सेवादार लोग से, हमारा जो फोर व्हीलर गाड़ी उस पर भी हमने 1% शर्म नहीं किया कि मेरे गाड़ी के पीछे में हमें सेवादार लिखा, मेरा काम ही वही है। ऊपर से वाले से ही मनाते हैं, बस इतना दीजिए कि घर परिवार चल सके, जिंदगी कट जाए, आने वाला बेटा बेटी जो भी होगा अपने किस्मत से पढ़ लेगा, लिख लेगा, पढ़ाई कर लेगा, जो भी कर लेगा। उसके लिए हमको नहीं चाहते बिल्डिंग बना कर रखना है, उसे अच्छा संस्कार देना है कि अगर वो पढ़ लिख लेगा तो कम से कम अपना कर लेगा। और हमें बस साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, मैं भी बुक कराता हूँ, साधु न बुक करें, वही कॉन्सेप्ट। तो ये तो थी चुनाव की चर्चा। अब आते हैं जरा सा अपने कोचिंग के बारे में, अपने गुरुजन के बारे में। हमारा जो ये कोचिंग है, संस्थान है, इसे हम तो मंदिर ग्रुप में देखते हैं, आप लोग क्या देखते हैं? आप लोग इसको क्या देखते हैं? आप लोग क्या लगता है कि हम एक स्कूल में आए, फी दिए, जमा किए, सीखे, नहीं तो रिजल्ट किए, चल दिए, ऐसे देखते हो क्या आप लोग? नहीं सर। कैसे देखते हो? मंदिर ग्रुप में। संगीत में भगवान बसते, तो देखे तो जब भगवान बसते हैं तो ये मंदिर हो गया ना। तो मंदिर का एक एक चीज का ख्याल रखना, ना साकिर सर का पर्सनल कर्तव्य है, ना परमजीत दया का, ना है ना मेरा है, ना इनका है, सबका है। मंदिर मतलब सबका हो गया। तो इसमें अगर हम लोग कोई भी कदम अगर ऐसा उठाएंगे जिससे मंदिर को नुकसान हो तो आप लोग अच्छा लगेगा? कई बार सर ने बहुत बार इनको इमोशनल देखते तो हमें भी बुरा लगता है। अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे सर का स्ट्रगलस लाइफ इतना चल रहा है, बुरा दौर चल रहा है कि इनका जो भाई अभी बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में कई दिन से भर्ती था, पता है ना आप लोगों को? सबको पता है, किसी को नहीं पता है? जी पता है। आप समझ सकते हैं वो बुरा दौर कितना बुरा दौर होगा? आपके सर यहाँ बैठे हुए आपके गुरु बन के, और हम लोग बनारस में सर के साथ आईसीयू जो वार्ड होता है जिसमें ऑपरेशन होता है आईसीयू, उसके बाहर में जमीन पे हम लोग कई रात हम और ये सोए हुए सिर्फ इस इंतजार में कि मेरा भाई ठीक हो गया। उसमें भी जब गार्ड आता था ना सुबह सुबह कि हमको उठिए सुबह के साफ करना है, 2 बजे रात में सोइए, दवा करा के, रिपोर्ट करा के, और 5 बजे सुबह सुबह आता था, ए उठिए पूछा मारना है। वो दिन हम लोग देखे, फिर भी हमको इनके बारे में अच्छा चीज क्या दिखता, तो वहां भी रहते थे कि आज मेरा बच्चा लोग क्लास होगा, क्योंकि हम लाइनअप कर रहे हैं, कोचिंग खुल जाए, क्लास मत डिस्टर्ब हो, परमजीत भाई चले जाइएगा, इनके भाई चले जाइएगा, यहाँ चले जाइएगा। क्यों करते हैं भाई? क्या शौक पड़ा? क्यों आएंगे यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ यही ख्याल था कि आप सभी इनके बच्चे हैं, सबको ये परिवार मान, और इसको मंदिर मान। अगर हम हॉस्पिटल में है और मंदिर में पूजा ना हो सकता है क्या? कितने पुजारी खड़े हैं, एक नहीं कई पुजारी खड़े हैं। सीधा सीधे मकसद यही है कि देखिए जीवन में कई तरीके की परेशानियां हैं सबके साथ, लेकिन उस परेशानियों का बहाना बना के ये नहीं कहिए कि सर आज हमको ये मौका था हम नहीं आ पाए, सर आज हमको ये काम पड़ गया हम ही नहीं पाए। कितना दिन चलता आपके मतलब सब? 2 दिन भी अगर आप अपने संगीत को अपने मंदिर को नहीं दे पाइएगा तो कागजी डिग्री से कोई मतलब नहीं, उठा के फेंक दीजिए, इसे कोई मतलब ही नहीं। आप कुछ सीखने आते, डिग्री लेके जाइएगा, एग्जाम दीजिएगा। अभी कैसे बोले सर कितना स्ट्रिक्ट हो गया कि कितने बच्चे फेल हो गए? पहले तो नहीं सुनते थे संगीत में फेल हो गए, सबको सुनते थे भाई सब पास हो गए। लेकिन आज सिस्टम कहाँ से काम हो सकता? आज हमारे देश को बनाने की जरूरत, आप लोग हमारे देश के भविष्य है। एक एक आदमी जहां जहां आप लोग खड़े हैं, चाहे हमारी बहने हो चाहे भाई हो, सब इस कोचिंग के पुजारी हैं। इसको आप लोग समझिए,
आपका दिया हुआ जो फी देते हैं आप लोग, वो फी नहीं होता है, वो सहयोग राशि होता है जिससे मंदिर का संचालन चल सके। सर को क्या कमी है? है कमी, अपना जॉब है ही, अच्छे से कमा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इतने बच्चों की चिंता लेके सिर पे चलते हैं, कह रहे हैं दसवें भैया जेब करना है, नहीं आएगा तो बच्चा का नहीं फार्म नहीं भराएगा, ये नहीं लिखाएगा। एक फार्म भरने में इनको कितना तकलीफ होता है इनके साथ हम देखें, ये हो गया, मिस हो गया, अरे यार जेरोक्स कराना है, फाइल मेंटेन करना है, ये करना है, और कोई बच्चा नहीं आता है। तो देखिए थोड़ा बुरा लगता है, ज्यादा बुरा नहीं लगता, थोड़ा बुरा लगता है। और हम आप सबसे हाथ जोड़ के विनम्र विनती करना चाहेंगे कि प्लीज सिस्टम को आप ही लोग समझ लें। आज जो ये हमारे दिनेश गुरु जी है जहां पे बैठे हुए हैं, लेकिन आज साकेत सर को वो शिक्षा दिए हैं, उस तरीके से ट्रेंड किए कि आज साकेत सर आपको सिखा रहे हैं। अभी यही चीज बनारस में चले जाने इनके साथ, हम कहते बनारस में 10 मिनट का अगर क्लास आप करते हो तो महीने का 3,000 वापिस, हफ्ते में 2 दिन, क्या देते हैं आप? इसको यहाँ फीस से मतलब जोड़ना ही नहीं है, फीस नहीं है ये, सिर्फ मंदिर का जो संचालन हो सके, सिस्टम चल सके, उसी के लिए। माफी चाहेंगे कि अगर कुछ ज्यादा बोल दिए हो तो सिर्फ निवेदन ये है कि सर अभी काफी मेंटल प्रेशर में भी है, इनका भाई वहां से आके घर में बैठा हुआ है, फिजियोथेरेपी चल रहा है, इलाज चल रहा है, कई तरीके की समस्या अभी भी, आगे इस तरीके की समस्या से और बढ़ने संख्या क्या होगा, थोड़ा ब्रेन पे और लोड पड़ेगा, तो हम लोग का क्या काम है, इनके लोड को कम करना, यही है ना, मानते हैं ना आप लोग इनको गुरु मानते हैं ना? यस सर। तो हमारे हम जैसे शिष्यों का क्या कहना है, क्या मतलब क्या बनता है, मदद करना बनता है ना? तो बस यही चाहेंगे कि आप सभी से हाथ जोड़, पुनः रिक्वेस्ट है कि सर के कामों में, इनके संचालन में सही टाइम से आप अपना सब कुछ पेपर वर्क करिए, जब क्लास चले तो आइए, प्रैक्टिकल की तैयारी कीजिए, जो इनके एक्सटर्नल आते हैं उनके सामने अगर बताइए हम लोग इतने बच्चे बैठे हुए हैं और कोई नहीं गया है, कोई इतना सिखाता है सर, गला फाड़ पड़ कर भी गला फंस जाता है इनका, फायदा क्या? अगर 5 बच्चे भी एक्सटर्नल के सामने नहीं कर पाए तो फिर अच्छा बुरा नहीं लगता, बुरा लगता है। सबसे बड़े बात जानते हैं क्या होता है, एक्सटर्नल जाके क्या कहेंगे, जैसे सासाराम गिर हाल बिगा। तो हम लोग हर क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे खेल हो, चाहे संगीत हो, हर क्षेत्र में सासाराम का नाम रोशन करना है कि नहीं करना है? तो आज आपसे एक छोटा सा टास्क कराएंगे, ठीक है, अगर आप लोग उसको हमारे में सहयोग करें तो, करने को तैयार है आप लोग? आप लोग अपने अपने जगह पे खड़े हो, सरस्वती के साथ, ठीक है, अपना अपना हाथ आगे कर लें, राइट हैंड से भी आगे कर लें, जो मैं बोलूंगा भी बता दे रहा हूँ, जो मैं बोलूंगा वो आप लोगों को दोहराना है, ठीक है? सभी लोग आ गए, ठीक है भाई, जब मैं बोलूंगा मैं तो उसके बाद अपना अपना नाम लेना, जैसे मैं तो अपना अपना मन में नाम लेना, ठीक है? मैं दशमेश सिंह आज ये वचन देता हूँ, आज ये वचन देता हूँ कि जिस संगीतालय में मैं खड़ा हूँ, जिस संगीतालय में मैं खड़ा हूँ, उसे मैं एक मंदिर के रूप में हमेशा देखूंगा, उसे मैं एक मंदिर के रूप में हमेशा देखूंगा, नियमित क्लास करूंगा, नियमित क्लास करूंगा, सर के बताए हुए संस्कारों पे चलूंगा, सर के बताए हुए संस्कारों पे चलूंगा, और आगे भविष्य में कभी भी सर को शिकायत का मौका नहीं दूंगा, सर को शिकायत का मौका नहीं दूंगा, आने वाले जो एक्सटर्नल है, आने वाले जो एक्सटर्नल है उनके सामने अपना बेहतर देने की कोशिश करूंगा, अपना बेहतर देने की कोशिश करूंगा। जय जय।